हेलो गाइस, आप लोगों को मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरे ऊपर ही वो चीज़ गुजर चुकी है, उस पर मैं बहुत सारा मैं झेला हूँ 1.5 साल से, 1.5-2 साल से। तो बहुत सारे मैंने बाबा, कम से कम नहीं तो 10-15 बाबा मैंने चेंज कर दिया। कोई बोलता है नींबू रखो, कोई बोलता है ये करो, बहुत सारी चीज़ किया, लेकिन वो मुकम्मल मेरा कुछ इलाज नहीं हुआ। और ये जादू टोने का मसला है, और अपने कोई जानकारी में है हराम ज़्यादा जो ये हरकत कर रहा है, जिसमें 3 रुपये में शक है। लेकिन चलो ठीक है, वो तो मैंने जो चीज़ है मैंने झेल लिया, लेकिन मैं अपने माध्यम से मैं आप लोग को जानकारी देना चाहता हूँ कि आप लोग भी कुछ तकलीफ़ में होंगे तो मैं कहाँ पे गया तो मेरा सॉल्व हुआ है। मैंने यूट्यूब पे देखा था, टीपू बाबा करके है वो, आप खाली नाम बोलोगे टीपू बाबा तो खुल जाएगा। तो मैंने उस पर बात, मैंने फ़ोन नंबर था, मैंने उससे बात किया, बाबा का अपॉइंटमेंट लिया मैंने। बाद में ये है परभनी, महाराष्ट्र परभनी में है। अब मैंने यहाँ से कल्याण से ट्रेन पकड़ा था सुबह 7:45 की, और वहाँ पे मैंने 6 पे पहुँच गया था। तो वहाँ से फिर मैंने रिक्शा वाले को बोला तो उसने बोला 300 रुपया। तो मतलब भाई शेयरिंग वाले का शेयरिंग का कुछ है क्या यहाँ पे? तो एक रिक्शा वाले बताया अच्छा था, तो बोला कि नहीं, आप 30 रुपये में आप पहुँच जाओगे। तो फिर शेयरिंग रिक्शा में गया 30 रुपये में। उधर यूसुफ कॉलोनी करके है, यूसुफ कॉलोनी में खाली वो तो रिक्शा वाला बोला कि मैं, अच्छा आप टीपू बाबा का जाना चाहते हो? मतलब हाँ हाँ सर, मैं वहीं जाना चाहता हूँ। तो बेचारे ने मेरे को लेके गया, उस एरिया में छोड़ा। उसके बाद में मेरे को बताए थे कि मेरा समय, मतलब फ़ोन से पहले मैंने फ़ोन पे बात किया, मतलब हजरत कुछ पैसा लगेगा क्या? तो हजरत ने बोले कि हम लोग खाना वगैरह खिलाते हैं गरीबों को, और यहाँ पे भी लंगर रहता है, तो उसमें आपको 500 रुपये डालना है, और 400 रुपये जो है वो आपको दे अपना, उसमें लुबान वगैरह आता है, लुबान अतर पानी, तो वो आपको लाना है। मतलब 900 का खर्चा था मतलब। तो फिर मैंने वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके गया, तो देखा तो मेरे ऊपर जिसने भी हरामी ने किया हुआ है कितना, 7-8 शैतान है मेरे ऊपर। जब मेरे को हाजिर करने के लिए बैठाए तो उसमें 3-4 बार लगभग मेरे आंख पे आके हाजिर होके निकल जा रहा था, मतलब सामने पेश नहीं हो रहा था बाबा के सामने। तो बाबा बोले कि नहीं, दूसरी बार में हम देखेंगे। और बहुत सारी चीज़ मेरे को दिए, और उसने मेरे को बाबा बताया भी कि बेटा ऐसा है, ये सब नियम है, आपको करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ, पहले बताओ आप क्या नमाज़ पढ़ते हैं? मतलब नहीं हजरत, मैं बहुत मतलब कभी कभी पढ़ता हूँ, मतलब कभी कभी नहीं, आप 5 रंग की नमाज़ पढ़ो और ये सब नियम है बताओ। तो फिर मेरे को वहाँ से ये, मैं आपको बताता हूँ, ये देखो जय नमाज है और ये तस्बीर है। तो उसमें बताया कि फजर की नमाज में, आप फजर की नमाज में 300 बार अलम शरीफ पढ़ने का, उस पर दम करके पानी पीने का, ये करते रहोगे और नमाज के पाबंद रहोगे तो अब उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, खुद ब खुद कट जाएगा। और रात में सोने टाइम पे अतल कुर्सी आपको पढ़ना है 7 बार, पानी में दम करके पीना है। तो जब से मैं ये कर रहा हूँ, ये अदर कास्ट के भी होंगे तो अपने अपने नियम से करें तो उनको भी फायदा है। और वहाँ पे कैसा है, हर हर मजहब के लोग आते हैं और सबका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और ये मेरे बोलने पर नहीं, आप खाली टीपू बाबा करके आप बोलोगे ना तो उसमें आप वीडियो वीडियो खुल जाएगी। जो भी इस चीज़ से प्रॉब्लम है तो आप खाली टीपू बाबा बोलो, आपका खुल जाएगा। आप उसमें बहुत सारी उनकी लाखों वीडियो है, आप देखो उसके अंदर, तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि कैसे कैसे है। और उसमें भी नहीं है, वो वकील भी है और पूरा गवर्नमेंट से परमिशन भी है उनका। तो उसके वजह से क्या है, वो कोई किसी को माइक अलग उसको कुछ कर नहीं सकता है। और वहाँ जाने की वजह क्या है मेरी, मैं और भी जगह से मैं और अच्छा ठीक हो सकता हूँ, और अभी जो प्रॉब्लम है सॉल्व तो हुआ ही है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगा तो खुलासा होगा। तो उसमें कैसा है, सामने वाले जो शैतान वगैरह जो भी है उसके अंदर, तो वो आके खुद पे खुद बोलता है कि हजरत पूछते कि किसने भेजा, किसने किस में क्या खिलाया, कैसे किया। तो वो हरामी का भी नाम आएगा, जिसने किया है वो हरामी का भी नाम आएगा, और वो हरामी बाबा का भी नाम आएगा, और जिसने भी इसमें इन्वॉल्व है उसका भी आएगा। तो मैंने वहाँ पे देखा, बहुत सारे से जानकारी लिया, बहुत लोग से नंबर लिया, और एक बहुत बड़े अच्छे घर के लोग थे, उनसे भी बैठ के साथ में खाना पीना खाए, तो उनसे भी नंबर लिया कि मैं मतलब बाकी आप लोग को शेयर करूंगा मैं। तो उनके बेटे को दिमाग के अंदर, उसका दिमाग के अंदर शैतान बैठाया गया था। 3 लड़के थे उसमें, एक लड़के को मतलब बाद में खुलासा हुआ उनके रिश्तेदार लोग नहीं किया था, और उसके दिमाग को हाईजेक कर लिया, शैतान को बैठा दिया था। और उसके लोग ने 10-15 लाख रुपये खर्चा किया, लेकिन उसका लड़का ठीक नहीं हुआ, और वो लड़का वहीं जाने के बाद में ठीक हुआ। आप लोग कमेंट में लिखेंगे तो मैं आपको उनका नंबर भी दूंगा, आप उनसे जानकारी कर सकते हो। लेकिन ये मकसद मेरा है कि मुझे फ़ायदा हुआ वहाँ जाने से, तो
तो आप लोग भी कुछ ऐसे में ऐसे कुछ शैतानी हरकत या दुश्मनी के इसमें कुछ फंसे होंगे, तो आप लोग भी उसके अंदर उसका फायदा उठा सकते हो। क्योंकि मार्केट के अंदर लोग दुनिया भर के बाबा बैठे हुए, सब लूटने वाले लोग हैं, सब सिर्फ बोलते ये करो वो करो, कुछ होता नहीं है, मुकम्मल नहीं होता है, मुकम्मल इलाज नहीं होता है। तो उसके लिए आप लोग से मैं ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ, इसके लिए कि आप वहाँ जाएंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, सिर्फ वहाँ पे गुरुवार शुक्रवार शनिवार और संडे, सिर्फ हफ्ते में 4 दिन बैठते हैं और देखते हैं। तो फिर भी आप फ़ोन करके जाना तो बेहतर रहेगा। तो मेरा बोलने का मकसद ये है, और वो जो जो हरामी जो मेरे पर कर रहे हैं वो भी ये वीडियो देख ले, तेरी तो ऐसी वाट लगने वाली है ना बेटा, तू किसी काबिल नहीं बचे, कितना खर्चा करना है कर ले, जितना जोर लगाना लगा ले, लेकिन इतना ध्यान रखना ऊपर जब तक तो ऊपर मेरे को मारेगा नहीं ना, तू साले कमीने या जो भी है, 3 लोग मेरे लिस्ट में है, लेकिन बेटा तुम लोग का काम तो तमाम होगा, मेरे मेरी मौत कतई नहीं आएगी। अबे जब मेरा ऊपर नहीं मारेगा मेरे को, मैं पाबंद हूँ, 5 टाइम का नमाज पढ़ता हूँ और बाबा ने मेरे को बहुत कुछ चीज़ दिया हुआ है, तो मैं कर रहा हूँ। और मेरे को बोले बेटा तेरे कोई मार नहीं, हाँ तकलीफ देगा, तकलीफ देगा रे तू कुत्ते जो है ना, जो कर रहा है ना, तू तकलीफ देगा, तेरा काम है, तू शैतान है, तू तकलीफ देगा, लेकिन ये समझना नहीं कि मैं मर जाऊँगा, तेरे बस में नहीं है, तेरे बाबा की वाट लगेगी और तुम लोग की भी वाट लगेगी। और जो इतनी बड़ी हस्ती पर जा रहा हूँ ना, उसका कोई उखाड़ नहीं सकता और मेरा भी कुछ नहीं उखाड़ेगा, क्योंकि उनके मैं निगरबान में हूँ, समझे? तुम्हारे घिटे इसी दबी जाएगी ना कि तुम लोग साले। गाइस मैं आप लोग सुनो, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को मालूम है कौन क्या कर रहा है। 3 लोग मेरे लिस्ट में, जो मेरे को तकलीफ हुई ना, जो मैं 1.5-2 साल से मैं तकलीफ में हूँ, और गाइस ये सामने वाला कमीना मालूम है मेरे को मारने के लिए, बीमार करने के लिए ऐसी सी विधि कर रहा है कि मैं जल्द से जल्द मर जाऊं। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, एक एक मीटर की पट्टी मेरे पेट में, मेरे कमर में ऐसा जख्म हो गया, और वो जख्म होने के बाद में एक एक मीटर की पट्टी, और डॉक्टर का नाम भी बताऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, जो मैं वो पट्टी मलहम लगा के पट्टी, एक एक मीटर की पट्टी डाल रहा है और बंदा ठीक कर रहा है, डॉक्टर भी कर रहा है, लेकिन वो दुआ का असर है, जो बाबा का जाके आया वो दुआ मैंने पढ़ पढ़ के फूका, आज मेरा जख्म कंप्लीट होने पे आ गया है, खड्डा वगैरह बढ़ गया है। ये इसलिए बोल रहा हूँ, ये हरामी को मालूम पड़े, तू मेरे को तकलीफ दे के मारने की कोशिश में है, लेकिन तू मार नहीं सकता है, कर ले जोर लगा ले, 10-15 लाख 20 लाख घरदार बेच के मेरे को मारने के पीछे बेटा लग जा, लेकिन मार नहीं सकता है, इतना चैलेंज से बोलता हूँ तेरे को, जा उखाड़ जो उखाड़ना उखाड़ ले, और तू और आज से और अभी से लग जा, जितनी कोशिश करना है कर ले, जो करना है तांत्रिक विधि, जो करना है सिपली इलम, मेरा बाबा बैठा है परभनी में, वो बोला है बेटा तुम्हें को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, और मैं आज मैं जो प्रचार कर रहा हूँ उनका, मैं अच्छे के लिए कर रहा हूँ कि लोग को भला होए इसका, लोग जो तकलीफ में है, क्योंकि मैंने वहाँ पे देखता हूँ रू बरू अपनी आंखों से देख के आया हूँ मैंने, कि हाजिर हो के, कोई झूठी कहानी नहीं है, आपको कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये रियल फैक्ट्स है, ये एकदम जो देखेगा, जो अगर वहाँ जाएगा मालूमात करेगा, उसमें आप खाली नाम डालो टीपू बाबा, फटाक से वीडियो खुलती है, अब एक एक वीडियो टाइम निकल के देखो, और एक एक वर्ड पे उसकी जो पूछते हैं उसका जानकारी आप लो, तो उसका आपको मालूम पड़ेगा कि क्या है वजह, और वो बस मसला हल हो जाएगा, बहुत सॉल्व हो जाएगा, और यहाँ पे हर चीज़ की मरज की दवा है, वहाँ पे हो जाएगी। तो मेरा बोलने का मतलब है बेटा, जो मेरे पर करनी कर रहा है ना तू, हाँ तेरी तो ऐसी लगने वाली है, और तेरे को तो मैं बेटा ऐसी कुत्ते की मौत मार दूँ, मेरे को मारने के पिछड़ पड़ा है ना बेटा, तेरे को तेरी मौत तो पक्की लिखी है, 3 लोग लिस्ट में है, 3 लोग लिस्ट में है मेरे, 3 लोग अपनी जिंदगी की ना दिन गिनना चालू कर दो, शैतान 3 बार 4 बार आके गया है लेकिन निकल गया है, अभी जो तकलीफ दे रहा है मैं झेल रहा हूं, लेकिन बेटा तुम लोग को जो तकलीफ होगी ना, तुम लोग को कोई बचाने वाला नहीं रहेगा, जो कुछ भी सीखा है या कुछ कहीं से करवा रहा है पूरे पिक्चर में आओगे, सबकी बजने वाली है, और ऐसी बजेगी ना, ये जितने गाइस गाइस मैं तुम लोग को एक बताना चाहता हूँ कि आप लोग जिस दिन मेरा वीडियो बन के जब मेरा यह दिखेगा, बाबा लॉन्च करेंगे, और इस दौरान में मेरी हेल्प करना, जो भी बंदा है उसको पकड़ के उसकी उसको अंजाम उसकी ऐसी दर्दनाक मौत देंगे कि वो भी याद रखेगा, उसको मरना ही है, मेरे को मारने के पीछे पड़ा है, कानून भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, क्योंकि इतना गलत चीज़ कर रहा है, इसको करना ही नहीं चाहिए, इसको किसी को मारने का हक नहीं है,
किसी की जान मारने का हक नहीं है। तू अपनी जिंदगी जी, मैं अपनी जिंदगी जीऊं, मेरे को मारने का हक नहीं है। मैं इसीलिए उनके पास बाबा के जा रहा हूँ कि इसको हाजिर करना है। वो भले भाग जा रहा है झटका मार के, वो अड़ी 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 मार रहा है, लेकिन वो अड़ी मारने लगे बाबा भी उसको लाते है, अपनी बाटली में लाते है और अच्छे अच्छे वहाँ पे पिघल जाते हैं। नेक्स्ट टाइम में मेरे को बुलाए, नेक्स्ट टाइम में निकलेगा, हाजिर होगा और ये चीज़ सब दुनिया देखेगी कि जो ये कमीनेपन पे उतरा है सामने वाला, उसको बहुत बुरा अंजाम होगा इसका। मैं यही चाहता हूँ गाइस, मेरे कमेंट में लिखे और क्या है इसके बारे में, मेरे से कुछ जानकारी लेना है तो अब मैं उसका जानकारी दूंगा। और कुछ हेल्प चाहिए तो पुणे वाले का भी नंबर है, जिसका लड़का ठीक हुआ वो लड़का भी ठीक होगा। ये देखो मेन चीज़, मेरे को पानी दिए थे बाबा ने, पानी, ये पानी दिए थे। तो ये पानी मैं हर चारों कोने में, बेडरूम में, हॉल में, किचन में, सब जगह मारता हूँ। बाबा का हाथ है, और जब अभी आप वीडियो देखोगे ना तो उसके अंदर भी आपका हाथ में ये दिखेगा बाबा, और आपको भी ये चीज़ देंगे। तो ये चीज़ आप करोगे, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका मैटर सॉल्व होते जाएगा। और उसमें मेरे को भी लोबान वगैरह भी दिए थे, डब्बे में लोबान है। तो मैंने इसको क्या डेली 2 टाइम करोगे तो अच्छा है। एक 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 मिनट दिखाता हूँ आपको, ये इनका दुबई का मोबाइल लोबान है। तो आप डेली सुबह शाम करो तो बेहतर है, अगर एक टाइम भी टाइम नहीं मिलता, अगर एक टाइम भी करोगे तो अच्छी बात है। और पीने के लिए पानी भी दिए, 2 टाइम 3 टाइम पानी पीना है आपको, तो मैटर सॉल्व रहेगा। और जो नियम बताया नियम से चलने का, और कितनी भी बड़ी तकलीफ है, कितना भी पुराना मर्ज है, कितना बड़ा भूत है, कितना बड़ा भी जीन है, वो आपके उस बाबा के चुंगल में आएगा, वहाँ पे वो उसका मसला हल हो जाएगा। तो मैं दुश्मन को तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो तो दुश्मन अपना काम करे, और जितना करना है जितना जल्दी करे वो करता रहेगा, उसका तो काम ही है, शैतान का काम है तकलीफ देना। तो शैतान तू अपना काम करते रहे, अल्लाह बहुत बड़ा है, वो बचाएगा मेरे को। तुम लोग साले ऐसे देखते रहोगे कुछ नहीं होने वाला है। टीपू बाबा जिंदा है और वो सबका मसला हल करते हैं। हेलो गाइस, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।